हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंगला क्लासेस पर। आज हम डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में ब्लड से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और यकीनन यह आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो वो है 7.4। सबसे पहले पीएच मान समझ लेते हैं क्या होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन की पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होती है हमारी, वो पीएच वैल्यू होती है। इसमें एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक नंबर इंडिकेट होते हैं और 7 हमारा मिड पॉइंट होता है। जो किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और अगर 0 है तो वो मोस्ट एसिडिक है, और अगर 14 है तो वो मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन है इन नेचर। 0 से लेकर के 7 के बीच में पीएच वैल्यू रखने वाले सारे के सारे सॉल्यूशन हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि 7 से लेकर 14 तक के बीच में वैल्यू रखने वाले सारे सॉल्यूशन हमारे बेसिक नेचर के होते हैं या क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड की प्रकृति होती है तो वो होती है क्षारीय, क्योंकि ब्लड की हमारी पीएच वैल्यू होती है 7.4, और इससे पता चलता है कि जो ब्लड है हमारा वो बेसिक नेचर का है। थर्ड क्वेश्चन, पुरुषों की तुलना में महिला में लगभग कितना लीटर ब्लड कम होता है? तो वो है 1 लीटर। रक्त में लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो वो है 55% प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में। फिफ्थ क्वेश्चन, प्लाज्मा में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो वो है 92%। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो वो है हमारा ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो वो है ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो वो है लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 9, एंटीजन वह पदार्थ है जो मुख्यतः किसके निर्माण को प्रेरित करता है? तो वो है एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में भिन्नता पाई जाती है जिसे एंटीजन कहते हैं? तो इसका आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ही भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लड को कितने वर्ग में बांटा जा सकता है? तो वो है 4 भागों में, बेसिकली 4 भागों में, कैपिटल ए, बी, ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हीमोपोइसिस प्रोसेस होती है ब्लड के निर्माण की। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो है ब्लड ग्रुप ओ। और इसके साथ ही बता दें, स्पेसिफिक केस में हमारे पास एक आरएच फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं ब्लड में, तो आरएच फैक्टर दो, ये भी दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो आरएच नेगेटिव या आरएच डी नेगेटिव कह लीजिए, जो आरएच डी नेगेटिव होता है वो भी यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 15, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो है ब्लड ग्रुप ए बी। और यूनिवर्सल डोनर की तरह ही ये इसमें भी आरएच फैक्टर काम करता है, और आरएच पॉजिटिव डी या डी पॉजिटिव कुछ भी कह लीजिए, ये भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मा से यदि फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो सेस प्लाज्मा सीरम कहलाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि ये आईएएस प्री के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सो इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लड से आरबीसी को निकालने पर शेष भाग क्या कहलाता है? तो ये प्लाज्मा कहलाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो ये बिलीरुबिन, और ये भी यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।